दीपिका पादुकोण ने अपनी अपकमिंग फिल्म ट्रिपल एक्स रिटर्न ऑफ जेंडर केस का पिछले दिनों जमकर प्रमोशन किया। इस दौरान इंटरनेशनल स्टार और फिल्म के एक्टर विन डीजल भी भारत के दौरे पर आए और प्रमोशन में दीपिका का भरपूर साथ भी दिया। तो वहीं दीपिका ने भी देसी अंदाज में विन का स्वागत किया, यहाँ तक कि विन को मुंबई की फेमस कटिंग चाय भी पिलाई। आपको बता दें कि दीपिका के साथ कटिंग चाय की चुस्की लेते हुए क्लिक की गई पिक को विन ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट भी किया है, जिसमें दोनों काफी मजेदार लग रहे हैं। तो वहीं ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला अनसेंसर्ड जल्द ही उनके फैंस भी पढ़ सकेंगे। जी हां, आपको बता दें कि ऋषि कपूर ने बुक को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने अपनी किताब की पहली प्रति भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में चढ़ाने की तस्वीर पोस्ट की है और इसके साथ ही वो अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, ट्वीट की गई इस तस्वीर में ऋषि कपूर के साथ उनके दोस्त सुब्बा राव और जयराम भी नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक सोनू सूद इंटरनेशनल सुपरस्टार जैकी चैन की मेहमान नवाजी करते नजर आएंगे। सोनू सूद और जैकी चैन के साथ की गई फिल्म कुंफू योगा बनके तैयार हो गई है और ये फिल्म 3 फरवरी को भारत में रिलीज होगी। आपको बता दें कि फिल्म कुंफू योगा के प्रमोशन के लिए जैकी चैन अगले हफ्ते मुंबई आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ मंगलवार को सोनू सूद बीजिंग जाएंगे और वहां वो कुंफू योगा की पब्लिसिटी करेंगे और फिर जैकी चैन के साथ मुंबई लौटेंगे। छोटे पर्दे पर सबको हंसाने वाले कॉमेडियन कपिल शर्मा जल्द ही एक बार फिर से बड़े पर्दे पर रोमांस करते नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि फिल्म किस किस को प्यार करूं से फेम पाने वाले एक्टर कॉमेडियन कपिल शर्मा की नेक्स्ट फिल्म की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जी हां, जल्द ही कपिल शर्मा दृश्यम फेम एक्ट्रेस इशिता दत्ता के साथ रोमांस करते नजर आएंगे। सोर्सेज की माने तो कॉमेडियन ड्रामा फिल्म फारंगी का डायरेक्शन राजीव ढींगरा करेंगे और फिल्म की शूटिंग 25 नवंबर के बाद शुरू हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग पंजाब और राजस्थान में हो सकती है। शाहरुख ने वुमेन्स के रिस्पेक्ट और उनके राइट्स को लेकर जो बातें कही हैं वो वाकई काबिले तारीफ हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख ने कहा, मैंने सिर्फ आर्यन को ही नहीं बल्कि अब्राम को भी ये बात बता दी है कि किसी भी महिला को दुख मत पहुंचाना, अगर तुम किसी को चोट पहुंचाओगे तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि लड़कियां कोई खेलने की चीज नहीं है, उनकी इज्जत करो। शाहरुख ने अपने बेटे को ये धमकी इसलिए दी ताकि वो औरतों की इज्जत कर सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब्राम अभी छोटा है, जब वो 5 साल का हो जाएगा तब मैं उसे भी डिसिप्लिन जरूर सिखाऊंगा। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म रईस का नया प्रोमो लॉन्च किया गया है। इस प्रोमो में शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग्स और दोनों की केमिस्ट्री काफी जबरदस्त लग रही है। फिल्म के पहले प्रोमो में जहां शाहरुख खान नजर आए, साथ ही उनका डायलॉग बनिए का दिमाग और मियां भाई की डेयरिंग को फैंस ने काफी पसंद किया, तो वहीं इसके बाद रईस के नए प्रोमो में अलग एक्साइटमेंट नजर आ रही है। फिल्म में शाहरुख का लुक जबरदस्त सुर्खियां भी बटोर रहा है। उनकी सुरमा लगाई हुई आंखें, पठानी लुक और एक्शन से भरपूर प्रोमो काफी अट्रैक्टिव है। यही नहीं, सूत्रों की माने तो राहुल ढोलकिया के डायरेक्शन में बनी फिल्म रईस 25 जनवरी को रिलीज होगी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने शाहरुख खान को रईस और ऋतिक रोशन को काबिल के लिए शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि दोनों फिल्में 25 जनवरी को रिलीज होंगी। साथ ही सलमान ने राकेश रोशन को ट्वीट कर करण अर्जुन में शाहरुख और उन्हें साथ में कास्ट करने के लिए थैंक यू भी कहा है। सलमान ने ट्विटर पर लिखा, शाहरुख और मुझे 21 साल पहले करण अर्जुन देने के लिए शुक्रिया राकेश जी। साथ ही उन्होंने कहा, ऋतिक को कहो ना प्यार है के 17 साल होने पर बधाई और 25 जनवरी के लिए रईस और काबिल को शुभकामनाएं। सोमवार को मुंबई में बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक करण जौहर की ऑटोबायोग्राफी एन अनसुटेबल बॉय का विमोचन हुआ, जिसमें सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी के साथ पहुंचे, तो वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी दोस्त आलिया भट्ट के साथ और इसके अलावा मनीष मल्होत्रा, अयान मुखर्जी और श्वेता बच्चन जैसे कई बड़े सितारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर करण के साथ उनके खास दोस्त शाहरुख खान मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। बुक लॉन्चिंग के बाद शाहरुख खान ने कहा कि करण की जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है और मुझे लगता है कि लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। मुझे नहीं पता कि लोग इससे कुछ सीखेंगे या नहीं, लेकिन ये जरूरी है कि वो करण के अनुभवों के बारे में जाने। अपने बेटे का नाम तैमूर रखने पर बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने पहली बार मीडिया से बातचीत करते हुए सफाई दी है। सैफ ने कहा कि तुर्की के शासक रहे तैमूर से वे वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि तुर्क शासक का नाम तिमूर था और मेरे बेटे का नाम तैमूर है। हालांकि दोनों एक ही शब्द से आया है, लेकिन एक नाम नहीं है।
उन्होंने कहा कि उन्हें और करीना को ये नाम बेहद पसंद आया था और खास करके करीना को ये नाम बहुत पसंद आया था। सोशल मीडिया में बेबी के नाम पर मिल रहे रिएक्शन पर सैफ ने कहा, उन्हें बेटे का नाम रखते हुए डिस्क्लेमर देना चाहिए था, इस नाम का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। राजकुमार राव और श्रुति हासन जल्द ही अपकमिंग फिल्म बहन होगी तेरी का एक रोमांटिक सॉन्ग लखनऊ मेट्रो में शूट करते नजर आएंगे। फिल्म के प्रोड्यूसर का कहना है कि बहन होगी तेरी की कहानी पूरी तरह से लखनऊ पर बेस्ड है, लिहाजा हम इसमें लखनऊ की उन सभी खास चीजों को शामिल करना चाहते हैं जो नवाबों के शहर की खासियत रही है। आपको बता दें कि ये फिल्म इस साल 26 मई को रिलीज होने वाली है, साथ ही इस फिल्म में राजकुमार और श्रुति हासन लीड रोल में है। हाल ही में टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलाय टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में बतौर गेस्ट नजर आई। उन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो वो इस शो का हिस्सा जरूर बनना चाहेंगी। रुबीना ने कहा, मैंने कभी भी बिग बॉस का शो फॉलो नहीं किया था, मगर बिग बॉस के सीजन में न सिर्फ मैंने बिग बॉस के घर में समय बिताया बल्कि शो को समझने के लिए कुछ एपिसोड्स भी देखे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर बिग बॉस के डायरेक्टर मुझे इस घर में रखते हैं तो मैं खुशी से इस घर का हिस्सा बनना चाहूंगी। रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह को साथ काम करने को लेकर खबरें काफी जोरों पर हैं। सोर्सेस की माने तो दोनों एक साउथ की फिल्म में साथ काम कर सकते हैं। रणवीर सिंह को लेकर रोहित शेट्टी ने एक एड फिल्म बनाई थी। इससे पहले जब करण जौहर और रोहित शेट्टी ने सुभाष घई की फिल्म राम लखन की रीमेक की अनाउंसमेंट की थी तो अनिल कपूर के रोल के लिए सबसे ज्यादा चर्चित नाम रणवीर सिंह का रहा था। आपको बता दें कि बाद में राम लखन की रीमेक डब्बा बंद हो गई। हालांकि दोनों ही अभी अपने अपने प्लान्स में बिजी हैं, जहां एक ओर रणवीर सिंह संजय लीला भंसाली की पद्मावती में बिजी हैं, तो वहीं रोहित शेट्टी अजय देवगन के साथ गोलमाल चार शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी जगह पर, आज के शो में ढेर सारी बॉलीवुड